Ala Hazrat Play and Public School, Modern Education with Moral Values. Admission open for session 2023-24 in Nursery to Grade 3. Case pattern with Quran and Diniyat. We offer moral values, quality education, digital classrooms and fun activities, limited seats. Ala Hazrat Play School, near KGN Masjid, Rehmat Nagar, Chandrapur. Contact 7620535751. Ala Hazrat Play School congratulates Vidarbha Best Video News Digital Channel, Parthashar Samachar, on completing 2 years successfully and giving best wishes for many years to come. आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। गढ़चिरौली जिले की चामोशी तहसील के आष्टी ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर नगर अध्यक्ष राहुल डांगे ने प्रशासन से मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के खिलाफ जांच को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। राहुल डांगे ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ दिनों में उक्त भ्रष्टाचार की जांच नहीं की गई तो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। सन 2018 से 2021 अवधि के दौरान कुछ दुकानों का निर्माण किया गया था। इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में निकृष्ट दर्ज का काम करके संबंधित अधिकारियों ने कदाचार किया है। निर्माण सरकारी नियमों का पालन न करते हुए किया गया था। इस निर्माण में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ और 2 मार्च 2023 को तहसीलदार चामोर्शी से अनुरोध किया गया था कि भ्रष्टाचार में संलिप्त प्राधिकरण के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा उपोषण का इशारा दिया गया है। ऐसा निवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला परिषद गढ़चिरौली, संवर्ग विकास अधिकारी पंचायत समिति चामोर्शी को दिया गया। उक्त निवेदन में जिला स्तर पर एक नई जाँच कमेटी गठित की जाए और भ्रष्ट लोगों से साठगांठ रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा 1 अप्रैल 2023 से स्थानीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चौक पर आमरण अनशन पर किया जाएगा। ऐसी चेतावनी एनसीपी यूथ कांग्रेस आष्टी शहर अध्यक्ष राहुल डांगे और नेमाजी डोंगरे जिला उपाध्यक्ष राकापा युवा कांग्रेस ने दी है। சர்வாங்சாட்டி போன் ஃபேஷன் மால் சர்வ வயோகட்டத்தில் அபவாதத்மக் ஸ்ரேனி விஸ்திருத் வெரைட்டி ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் சினி தாரகா ரிங்கு ராஜ் குரு சேவன் 18 அக்டோபர் ரோஜி சுபாரம் ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் அப்பல்யா சந்திரபூர் மதே ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் வெட்டிங் கலெக்ஷன்ஸ் பிரைடல் லெஹெங்காஸ் சாரீஸ் சுடிதார் டிரஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வெஸ்டர்ன் வேர் கிட்ஸ் வேர் மென்ஸ் வேர் 18 अक्टूबर रोजी महाशुभारंभ श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल कस्तूरबा रोड चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर बिनबाग गेट क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने चौक का सौंदर्यकरण कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठक की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी मांग बिना गेट के समता संघर्ष समिति द्वारा की गई। चंद्रपुर बिनबाग गेट क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने चौक का सौंदर्यकरण कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठक की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी मांग बिनबा गेट के समता संघर्ष समिति द्वारा की गई है। बिनबा गेट इलाके में ट्रैफिक में भारी इजाफा हुआ है। इस इलाके में नगर निगम की जमीन पर छोटे छोटे व्यवसायियों ने कब्जा कर रखा है। इसका खामियाजा वार्ड के नागरिकों को भुगतना पड़ता है, साथ ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता है। उसके समाधान के लिए नगर निगम को इस स्थान पर दीवार बनाकर उसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठकें बनाई जाए, व्यायाम सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए और रोशनी की व्यवस्था की जाए। इस क्षेत्र में हाल ही में एक ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया, लेकिन सड़क डिवाइडर का निर्माण नहीं होने के कारण भविष्य में दुर्घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने निगम आयुक्त को सौंपे गए बयान के माध्यम से वहाँ एक सड़क विभाजक का निर्माण किया जाए, ये भी मांग की है। निवेदन देते समय हाजी सैयद हारून, अयूब खान, रुस्तम खान, अमीन खान, हर्षद कानम पल्लीवार, विनोद अंतनवार, मोहम्मद कादर शेख और अन्य उपस्थित थे। संघर्ष समिति द्वारा आज अरुण भाई इनके नेतृत्व में और समिति के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा बिनबा गेट परिसर में जो महानगर पालिका की ओपन स्पेस है उसको सुशोभित किया जाए, इस विषय के अंतर्गत माननीय उपायुक्त साहब को निवेदन दिया गया और उपायुक्त साहब ने सकारात्मक
इस विषय को लेते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करने की हमें आश्वासित किया और इसका हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये 2 साल में इस समाचार न्यूज चैनल ने एक चंद्रपुर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। निष्पक्ष निर्भय तरीके से जो समाज के सामने जो सच्चाई आनी चाहिए वो सच्चाई को पेश करने का काम इस चैनल के माध्यम से हो रहा है। ये इस चैनल के सम्मानीय हमारे मित्र राजेश जी नायडू एक खिलाड़ी होने की वजह से एक हर तरह के प्रश्नों को उस चैनल के माध्यम से न्याय देने की भूमिका उनकी हमेशा रहती है। मैं इस चैनल को शुभकामना देता हूँ। पार्सर समाचार के दुसऱ्या वर्षगांठ निमित्त 3 वर्षाच्या वाटचालीस माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने मी या चॅनलला मनपूर्वक आमच्या जिल्ह्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा देतो। हे जनसामान्यांचे प्रश्न घेऊन नेहमी आपल्या चंद्रपूरवासियांना त्या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून पोचवतात व शासन व प्रशासन दरबारी या न्यूज चॅनलना लोकांच्या समस्या पोचवतात व त्यांना धन्यवाद म्हणतो व त्यांना त्यांच्या दुसऱ्या वर्धनपण दिनाच्या मनपूर्वक मी शुभेच्छा देतो। मी मंदीप रोडे। राज्य कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन और विविध मांगों के साथ शुरू किया गया आंदोलन आज 4थे दिन भी पूरे राज्य भर में शुरू रहा। आज आंदोलन करने के लिए कर्मचारियों ने जगह जगह साइकिल रैली और पैदल रैली का आयोजन करते हुए नारेबाजी की। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच ये पे जल्दी स्वच्छता नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से सरकारी कामकाज बुरी तरह से ग्रस्त हो रहे हैं। अधिकारी महासंघ सुद्धा ह्याच्यामध्ये सक्रियपणे उतरणार आहे, परंतु आतापासूनच म्हणजे काल सुद्धा आम्ही आमच्या महाविकासच्या ग्रुपवरती वगैरे पाहतोय, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अधिकारी त्यांच्या पाठीशी आहेत, अधिकारी त्यांना भेट देत आहेत आणि त्यांचा सुद्धा पाठिंबा आहे हे अधिकारी सुद्धा सगळ्यांना जाहीरपणे सांगत आहेत। आता जसं ओमनी सांगितलं, काल मी मीटिंगला होते, काल बाकीचे सुद्धा पुण्याला इकडं तिकडं होते, शक्य नाही, फक्त आम्ही आलो नाही याचा अर्थ आम्ही तुमच्या सोबत नाही आहोत तर असं अजिबात होत नाही। अधिकारी 288 आमदार, 78 विधान परिषदेचे आमदार यांना सगळे भत्ते मिळून महिन्याला 2.5 लाख रुपये। मला हे सांगा, सर्वे आला 90% लोकप्रतिनिधी हे कोट्याधीश आहेत, त्यांना मानधनाची काय गरज आहे, विमान प्रवासाची काय गरज आहे, रेल्वेच्या प्रवासाची काय गरज आहे, त्यांच्या गाड्यावर व्याज माफ, त्यांना पार्थसर समाचार ये चंद्रपुर में 2 साल से डिजिटल मीडिया में बहुत धूम मचा रहा है और इनको 2 साल पूरे होने के शुभ लक्ष्य में मेरे तरफ से बहुत 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 बधाई। और ये हमारे राजेश भाई है, इनके वजह से चल रहा है ये, चाहे दूसरा रहता तो ये इतना नहीं चलता रहा। पहला ही ये डिजिटल माध्यम है, शुरुआत से अभी तक निरंतर चल रहा है और निरंतर इनकी न्यूज़ आती है, रोज़ न्यूज़ मैं सुनता हूँ, रोज़ मेरे पोर्टल पर आता है और मैं बहुत
बारीकी से सुनता हूँ। बहुत अच्छी आपकी जो एंकरर है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूज रीडर, बहुत बढ़िया है। उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो निरंतर आपके पास काम करे और एक बार दो साल की उपलक्ष्य में तुमको बहुत बहुत बधाई। अर्थशास्त्र समाचार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेंट माइकल स्कूल और स्कूल की मैनेजमेंट की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले दिनों में यह समाचार जो है ये काफ़ी उभर के आए और जो सत्य परिस्थिति लोगों के सामने वो जिस रूप से आ रहे हैं वो सही में सराहनीय है, और हमारे स्कूल प्रशासन की ओर से उनको ढेर सारी। अर्थशास्त्र समाचार के माध्यम से चंद्रपुर ने पूरे विदर्भ को रोज़ अलग अलग तरह की न्यूज़ मिलती है। इसके जो संचालक है आदरणीय राजेश नायडू जी, वो सच्चाई के बारे में उजागर करने के लिए वो न्यूज़ अपने समाचार के माध्यम से देते रहते हैं। दो साल में पार्थसर समाचार ने अपना नाम रोशन किया। भारतीय जनता पार्टी का मैं महामंत्री करके पार्थसर समाचार किया रोज़ दखल लेता हूँ। और एक बार पार्थसर समाचार के दूसरे वर्धापन दिन की कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ, और माता महाकाल की नगरी है, माता महाकाल को प्रार्थना करता हूँ, इनके हाथ से आज तक जो अच्छा काम होते रहा यही निरंतर शुरू रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ब्रह्म कुमारी, इसके ओर से चंद्रपुर में कल रात एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के सिंगर साधना सरगम ने अपनी सुरीली आवाज में कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए। दर्शकों से खचाखच भरे मैदान में लोगों ने भक्ति में वातावरण के सुंदर गीत का लुत्फ उठाया। पार्थशर समाचार को दिए गए विशेष इंटरव्यू में साधना सरगम ने चंद्रपुर वासियों को संगीत प्रेमी बताया और चंद्रपुर आकर वे बहुत खुश हुए ऐसा मनोगत जाहिर किया। सर, अपना परिचय दीजिए और इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। नमस्कार, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है चंद्रपुर में आने के बाद। मैंने देखा कि चंद्रपुर के भाई बहनों में, यहाँ की जनता में, सब में आध्यात्मिकता की लगन है, बड़ा प्यार है, और यहाँ जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसने आयोजन किया है इस कार्यक्रम का। आज हम सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चंद्रपुर की जो संचालिका रही हैं आदरणीय दीदी कुसुम, उनके वार्षिकी पर, प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें साधना जी आई हैं, साधना सरगम जी आई हैं और बहुत ढेर सारे कलाकार आए हैं। मैं स्वयं ब्रह्मा कुमार सतीश, जो माउंट आबू का रहने वाला हूँ, माउंट आबू में पिछले 40 वर्षों से मैं पूर्णतः समर्पित हूँ, और वहाँ से मुझे ईश्वरीय ज्ञान जो मिला, जो ये मार्ग मिला, जीवन जीने की कला मिली, मैं पूरे चंद्रपुर सहित सारे श्रोताओं को, सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और मैं स्वयं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गीतकार हूँ। लगभग 5-6 हज़ार गीत लिखे उस परमात्मा की देन है, जिसको लता मंगेशकर जी ने, आशा भोसले जी ने, साधना सरगम जी ने, और सब जितने भी कलाकार हैं, जितने भी बॉलीवुड के सिंगर्स हैं, उन सब ने उनको स्वर दिया है, गाया है, और एक एक गीतों की बड़ी तारीफ है। एक एक गीत अब मैं कहूँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो साथियों, प्यारे श्रोताओं, प्यारे दर्शकों, आप सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े, निश्चित रूप से आपको राजयोग के अभ्यास से, और बड़ा सहज, इसमें कोई हठ योग नहीं है, केवल सुबह और शाम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दिया जा रहा जो ज्ञान है उसको थोड़ा समझ लें, सुन लें कि मैं कौन हूँ, परमात्मा को जान लें वो कौन है, और उस परमात्मा के साथ सिंदरी सेवन सके।
नॉलेजेबल हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं, उनको मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और मेरी जो महारथी जो सिस्टर है, राजयोगिनी सिस्टर है, उनको भी मेरा प्रणाम। टीवी के माध्यम से मैंने काफ़ी सीरियल किए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, लापता गन, चिड़ियाघर, कैसा ये इश्क है, CID, क्राइम पेट्रोल, काफ़ी कुछ किया है, फिल्म्स भी की हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ब्रह्मा कुमारी से जो है मैं 12 साल पहले जुड़ी। गीता ज्ञान के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ मैंने भक्ति बहुत की है। शायद आप लोग भी उसमें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अथाह भक्ति की होगी, भक्ति कर भी रहे होंगे, मंदिर भी जाते होंगे और सभी देवी देवताओं को पूजनीय और वंदनीय मानकर उनकी सुबह शाम पूजा करते होंगे। भक्ति मैंने भी की है, बहुत भक्ति की है। 2 घंटे मैं सुबह बैठती थी और 2 पढ़ती थी। तो मेरे लिए गीता, एक गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्यानं सृजाम्यहम्। अर्थात आगे भी है, लेकिन जिसका अर्थ ये होता है कि मैं अति साधारण मनुष्य वेश में आता हूं और कोटि में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचान पाता है। जब मैं ये पढ़ती थी मुझे तो बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, भगवान अगर आया तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे। तो मैं रोज बोलती थी कि अगर आप आओगे तो आप मुझे मिलोगे ना, मैं आपको पहचान तो लूंगी ना। तो अब दिमाग में वो छप गया था कि वो साधारण वेश में आता है। तो मैं कोई भी मंदिर जाती थी, किसी भी भिखारी को देखती थी तो मुझे लगता था शायद ये भगवान है, शायद यही भगवान है। घर में कोई मांगने के लिए आता था, अगर मुझे कोई देने में, भिक्षा देने में अगर देर हो गई और अगर वो चले गए तो मैं दौड़ते हुए पीछे जाती थी कि अरे बाप रे भगवान आए और मुझे पता नहीं चला, शायद ये भगवान हो।
हमने क्रोध किया, चलता है ना? अगर इसने झूठ बोला, मैंने भी झूठ बोला, तो चलता है ना? क्रोध किया तो मैंने भी अगर दो चार बातें उसको सुना दी, लेकिन ये नहीं चलता, ये बिल्कुल भी नहीं चलता। क्योंकि आज हम जिस भी परिवेश में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, ये जो हम कर्म जो कर कर आए हैं, ये उसी का ही भुगतान हम कर रहे हैं। ये यहां पर ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि अगर हमें बदलना है तो अपनी सोच को हमको करेक्ट करना पड़ेगा। भक्ति तो हम कर रहे हैं, अब भक्ति में भी दो तरह की भक्ति है। बिल्ली के बच्चों को आपने देखा होगा, सबने देखा है ना? हाँ या ना? बोलिए तो फिर मैं आगे बताऊंगी, नहीं तो मैं चली जाती हूं। देखा है ना? एक होते हैं बिल्ली के बच्चे, कहते हैं बिल्ली के बच्चे तब तक आंखें नहीं खोलते। जलनगर प्रभाग के पूर्व पार्षद, पूर्व स्थायी समिति सभापति और भाजपा नेता रवि असवानी की ओर से पार्थशर समाचार को 2 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक बधाई। पार्थशर समाचार को 2री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूर्व पार्षद और स्थायी समिति सदस्य और भाजपा महानगर उपाध्यक्ष एडवोकेट राहुल अरुण जी गोटेकर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आने वाले सालों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता, समाज सेवक और प्रतिष्ठित व्यवसायी अमित उमरे की ओर से पार्थशर समाचार के 2री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और 3रे वर्ष के कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कन्या नागरी बैंक के विशेषज्ञ निदेशक और कन्या देवस्थान ट्रस्ट चंद्रपुर के ट्रस्टी उदय कृष्ण राव बुद्धावार जी की ओर से पार्थशर समाचार को 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और आने वाले वर्षों के लिए शुभकामनाएं।